हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने मेहंदी के कोर्स डिटेल वाले वीडियो का थर्ड पार्ट अपलोड कर रही हूँ, जिसमें मैं बेसिक मेहंदी लाइनिंग बताऊंगी आप लोगों को। पार्ट वन और पार्ट टू का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिक मेहंदी लाइनिंग्स, बेसिकली इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर देखेंगे और लाइनिंग कैसे खींचते हैं, क्या स्टेप्स होने चाहिए। फर्स्ट हम लोग देखते हैं थिन लाइन। तो प्रेशर और मूवमेंट के इक्वली कंट्रोल से हम लोग थिन लाइन खींचेंगे। फिर आता है थिक लाइन। हम लोग थिक लाइन ज़्यादा प्रेशर देके नहीं खींचेंगे, दो थिन लाइन खींचेंगे और उसको फिर अंदर फिलअप कर देंगे। थिक लाइन और थिन लाइन के कॉम्बिनेशन से हम लोग मेहंदी में बॉर्डर्स बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डॉटेड लाइन। इसके लिए हम लोग पहले एक थिन लाइन खींचेंगे, उसके बाद इस थिन लाइन के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स बनाएंगे। डॉट्स बनाने के लिए हम लोग कोन को लाइन के ऊपर रखेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे और हर डॉट्स में सेम प्रेशर होना चाहिए। नेक्स्ट है जिगजैग लाइन। तो इसमें हम लोग थिन लाइन ही खींचेंगे, बट एक बार ऊपर एक बार नीचे, फिर ऊपर नीचे, इस तरह से पर सेम डिस्टेंस में। अब हम लोग अलग अलग तरीके से लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में भी। डायरेक्शन को मैं एरो से डिनोट कर रही हूँ, आप लोग उसी डायरेक्शन में प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लोग सर्कल बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर एक बार में आप लोगों से बन रहा है तो हम लोग इस तरह से राउंड करेंगे। मैंने एरो का डायरेक्शन बता दिया है, और अगर नहीं तो हम लोग इसको टू हाफ्स में डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज एंड दूसरा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग स्पाइरल बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से स्पाइरल ही बनाना है हम लोगों को। डायरेक्शन मैंने एरो वाइज बता दिया, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी बनाना है। सबसे ज़्यादा आप ये बेसिक लाइन को कम से कम एक वीक प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद आता है स्क्वायर। हम बताए थे ना डिफरेंट ज्योमेट्रिकल लाइंस सीखेंगे, तो अब स्क्वायर बनाना है। और ये सारे में थिन लाइन है। ठीक है, अब देखिए स्पाइरल ही हम लोग अब छोटा लेंगे, अब फिर इससे इस तरह से बनाते जाएंगे। ठीक है, इसका डायरेक्शन मैंने बता दिया, अब नेक्स्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाएंगे। जहाँ पे टर्न करना है वहाँ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हम लोग थोड़ा रुक जाएंगे। इसका भी डायरेक्शन मैंने बना दिया। नेक्स्ट है रेक्टेंगल, ये भी सेम बनेगा। पहले हम लोग एक शेप बना लेते हैं, उसके बाद स्पाइरल बनाएंगे। ये डिज़ाइन इतने बड़े नहीं बनते हैं, छोटे बनते हैं, बट प्रैक्टिस के लिए आप थोड़ा बड़ा बनाइए। अब हम लोग स्पाइरली बनाएंगे इसको। जहाँ पे टर्न करते हैं वहाँ देखिए हल्का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुक जाना है। ठीक है, तब वो प्रॉपर शेप में आएगा। फिर से मैंने डायरेक्शन बता दिया है, और नेक्स्ट हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ भी मैंने डायरेक्शन आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट आता है ट्रायंगल। अब देखिए ये भी सेम वैसे ही बनाना है, बट बनाते समय ध्यान रखिएगा कि लाइन हम लोगों की सीधी हो। ठीक है, अब इसका भी स्पाइरल बनाना है। हमेशा टर्न करते वक्त हम हल्का रुकेंगे। इसका भी डायरेक्शन बता दिया है, हमें हर डायरेक्शन में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आज के इस बेसिक मेहंदी लाइनिंग्स पार्ट थ्री में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड होगा, जिसमें मैं एडवांस मेहंदी लाइनिंग्स बताऊंगी। मैंने पहले भी मेहंदी का फुल डिटेल कोर्स वीडियो बनाया है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं अपने मेहंदी के कोर्स डिटेल्स में क्या क्या सिखाऊंगी, तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।